ओशिवरा पुलिस स्टेशन का मामला है, तो 2023 मार्च में ये FIR रजिस्टर हुई है। जो लड़का था वो एक एक्स एयरलाइंस एम्प्लॉय था जेट एयरवेज का, और उसका और पीड़िता का जो है वो 2018 से रिलेशनशिप था। एक आध साल वो लिव इन भी साथ में रहे थे, और उसके बाद में उसने उसके साथ शादी का वायदा किया, दो तीन बार उससे फोर्सफुली अननेचुरल इंटरकोर्स किया, और सालों तक रिलेशनशिप चलता रहा। और उसके बाद में 2023 में जब लड़की ने ये रिक्वेस्ट की कि हम शादी साथ कर लेते हैं, तब उसने मना कर दिया, मुकर गया, और फिर गुस्से में आकर उसने ये बता दिया कि मेरी 2021 में शादी हो गई है, और तुमको और उस लड़की को यानी उसकी वाइफ को मैं दोनों को फंसा रहा हूँ। तो उसके बाद में जब लड़की ने मामला पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो उसको धमकी दी गई, उसको ये कहा गया कि तुम यहाँ पे मुंबई में जो मॉडल वगैरह बोल के काम करते हो, तुम्हारे और मेरे जो कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स है हमारे पास, वो सारे के सारे हम शेयर कर देंगे इंटरनेट पे और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और तुम्हारा जो करियर है वो मैं ख़त्म कर दूंगा, तो आप कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करोगे। उसके बाद में भी उस पीड़िता ने जो है वो हिम्मत दिखाई, और उसने आगे आकर पुलिस में कंप्लेंट की, जिसके बेसिस पर उसके बाद में पुलिस ने FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करने के बाद भी धमकी आई, उस लड़के को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद भी उसके घर वालों से धमकी आती रही लड़की को कि आप इस केस को वापस ले लो। उसके बाद में मैटर सेशंस कोर्ट में बेल के लिए आया, बेल रिजेक्ट की गई। बेल रिजेक्ट होने के बाद भी या उसी दौरान एक और एक पत्र मिलता है, और उस पत्र में उस लड़की के और लड़के के जो प्राइवेट फोटोज हैं वो है, और एक धमकीदायक लेटर दिया गया है उस लड़की को, ये कहकर कि आप जो है वो ये कंप्लेंट वापस ले लो, वरना हम आपके ये जो फोटोज हैं वो लीक कर देंगे। तो ये हम आए दिन देखते रहते हैं कि लड़के आजकल लड़कियों को शादी का वायदा करके धोखा देते हैं। ये ऐसी केसेस तो हम देखते रहते हैं, पर इसमें जो सबसे डरावनी चीज़ है वो ये है कि उस लड़की के प्राइवेट फोटोग्राफ्स लेकर उसके बाद उसको धमकी दी जा रही है, और उसको ये दबाया जा रहा है कि जो रजिस्टर किया हुआ केस है उसको वापस ले लिया जाए, वरना इन फोटोज़ को वायरल कर दूंगा, जो मेरे हिसाब से ठीक चीज़ नहीं है, और इसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कोई भी प्राइवेट मोमेंट कभी भी कैप्चर हो जाता है, और फिर उसका कोई अगर इस तरह से गलत इस्तेमाल करे तो वो हानिकारक चीज़ है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी लड़का जेल में है, और जेल में है कि नहीं है, और क्या धाराएं उस पे लगी हैं? देखिए, फिलहाल वो लड़का जेल में है, उसने सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, जिसको माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है, और अब हाल ही फिलहाल में चार्जशीट दायर हुई है। इसमें जो ऑफेंसेस है, पहले 376 लगे में जब लड़की का डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद में उसका 377 में रूपांतरण किया है, और कुछ धाराएं हैं जैसे धमकी देना और वो फोटोज लीक करने की बारे में बात करना, वो सारी धाराओं को बाद में उसमें ऐड किया गया है। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल हम देख रहे हैं बहुत डरावनी घटनाएं घट रही हैं लड़कियों के ऊपर, दिल्ली में हुआ, मीरा रोड में हुआ, अगर इस लड़के ने ये अगर उसके जो प्राइवेट फोटोज हैं, जो प्राइवेट मोमेंट के कुछ वीडियोस हो सकते हैं या फोटो हो सकते हैं, अगर उसने लीक कर दिया, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा लड़की के लिए, उसके परिवार के लिए। अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, लड़की पर कुछ एक्शन और लग सकता है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोल के एक कायदा है, और उसमें कुछ प्रावधान है, वो इसी लिहाज से बनाए गए हैं, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया में किसी का भी कॉन्वर्जेशन, किसी का भी फोटोग्राफ या किसी भी कोई प्राइवेट जानकारी जो लीक हो जाती है उसके मद्देनजर, तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रावधान है, और उसमें कड़े नियम है और कड़ी शिक्षा है, उनके जो सेक्शंस हैं वो अप्लाई करके उसमें अलग FIR हो सकती है। सर,
सर जानना चाहेंगे कि जब ये पुलिस में घटना गई थी तो पुलिस ने इस चीज को रिकवर नहीं किया कि उसके पास क्या फोटो है और इसके बारे में? देखिए, हमने पुलिस को कंप्लेन दी है, हमने पुलिस को ये सारी इंफॉर्मेशन दी है कि हमें ये आशंका है कि सिर्फ उसके फोन में नहीं, उसके लैपटॉप पे या क्लाउड पर या उसके और किसी स्टोरेज अकाउंट पर भी ये फोटोग्राफ्स होने की संभावना है। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि आज भी वो इन्वेस्टिगेशन बड़े ही कन्वेंशनल तरीके से करती हैं। ठीक है, ज्यादातर पुलिस वालों को क्लाउड मेमोरीज या क्लाउड मेमोरीज के अलावा जो दूसरे सर्विसेज हैं, जिस वेबसाइट का उपयोग कर आप आपके फोन के जो मेमोरी है या जो फाइल्स है या जो डेटा है वो किसी क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी जानकारी नहीं होती। तो उन्होंने उसका फोन रिकवर कर लिया, उनको लगता है कि उन्होंने सारा ले लिया, जो गलत है। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इसी केस में नहीं, ऐसे आजकल बहुत मामले बढ़ रहे हैं और उसमें पुलिस को उस जो अक्यूज होता है उसका लैपटॉप जब्त करके उसके कितने अकाउंट्स हैं उनकी मालूमात कर फिर उसकी वो गूगल स्टोरेज ड्राइव हो या उसकी क्लाउड मेमोरी हो या और कोई दूसरे अकाउंट्स हो जिनमें उसके ऐसे हैं अकाउंट्स, वहां से ये देखना चाहिए कि उसने ऐसा कुछ प्राइवेट किसी का स्टोर करके नहीं रखा है जिसका वो दुरुपयोग करेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो वो तो बंदा जो है वो जेल में है, तो उसके ऊपर मैं आगे का क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर कानून की सारी धाराओं का प्रयोग किया जाए तो इस मामले में लड़का लड़की दोनों कई समय तक एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे थे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनाया गया है उसमें सिर्फ मियाँ बीवी के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, ये उस रिलेशनशिप के ऊपर भी अप्लाई होता है जहाँ लड़का लड़की एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो और उनका जो रिलेशनशिप है वो शादी की तरह हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको कहता है कि रिलेशनशिप विच इज एनालॉगस टू मैरिज, तो वहां पर भी ये लगता है। तो अगर वो लड़की चाहे और हम इस चीज को आगे कंसिडर कर रहे हैं कि उस पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के भी प्रोविजंस लगाए जाए, क्योंकि जब वो साथ रह रहे थे तो बहुत सारा जो अननेचुरल इंटरकोर्स हुआ है वो उसके इच्छा के विरुद्ध हुआ है और फोर्सफुली किया गया, विच इज नॉट करेक्ट। सर लड़के के बारे में थोड़ा सा उसका पूरा नाम, उसका किस बैकग्राउंड से, किस परिवार से, वो थोड़ा बताएंगे? देखिए, जो लड़का है उसका नाम अमरदीप सिंह है, ये एयर इंडिया का एक एक्स एम्प्लॉय है एंड मेरे ख्याल से आपको FIR की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है, तो उसमें उस लड़के की जो कुछ जानकारी है वो है। असलफा बोल के मुंबई का एक इलाका है, थोड़ा सा स्लम वाला इलाका है, वहाँ से ये लड़का आता है। और गलत चीज़ है कि किसी को आप इस तरह से फास्ट ले, आप जो नहीं हो या आप कोई एक अलग ही खुद का रूप दिखाए और किसी को सालों तक आप एक गलत तरीके से फंसाकर या करें, इसका सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न नहीं होता, उस इंसान का जो मानसिक उत्पीड़न होता है कि हम किसी को जानते हैं पहचानते हैं उसके साथ रिलेशनशिप में और कल पता चलता है कि 6-7 साल तक आप जिस वो जो मुखौटा लेके घूम रहा था वो सारा का सारा झूठा था। सर आज ये PC रखने का क्या मकसद है आपका? देखिए, आज की ये जो बुलाई गई थी वो उसके मुख्य कारण ये थे कि पहली चीज ये थी कि आज भी पुलिस ने उस लैपटॉप को रिकवर नहीं किया है, आज भी वो फोटोग्राफ्स उस अक्यूज के कस्टडी में हो सकते हैं, आज भी ये हो सकता है कि वो क्लाउड के ऊपर जो मेमोरी है उसमें कहीं ना कहीं ये प्राइवेट फोटोग्राफ स्टोर्ड हो जिसका कल आगे चल के उपयोग किया जा सकता है, ना सिर्फ इस लड़की को बट दूसरे विटनेसेस को दबाने में और इस केस को खत्म करने में, क्योंकि हाल फिलहाल में इस केस में चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट दायर करने के बाद अब यहाँ पर ये केस चलेगी, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, एविडेंस चलेगा। हमारी जो सबसे बड़ी आशंका है या हमारा जो सबसे बड़ा डर है वो ये है
कि वो फोटोग्राफ्स जिनको अभी तक पूरी तरह से पुलिस ने रिकवर नहीं किया, मोबाइल के फोटोग्राफ्स तो रिकवर कर लिए हैं, पर 21वीं सदी में सारा का सारा डेटा कोई खुद के मोबाइल पे नहीं रखता, लैपटॉप पे रखता है, क्लाउड मेमोरी में रखता है, वहाँ तक पुलिस पहुँची ही नहीं है। तो हमने लेटर्स लिखने के बाद में भी उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो मुख्य स्वरूप से जो एक इंटेंशन है वो यही है कि इस बात की तरफ खींचा जाए और वो उसके ऊपर एक्शन ले। सर, ऐसा भी होता है कि साइबर क्राइम को भी एक लेटर दिया जाता है, इसमें तो ऐसा कुछ आपने किया है? देखिए, हमने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको कंप्लेंट की है, और क्योंकि FIR पहले दाखिल हो गई थी, तो FIR दाखिल होने के बाद में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो असाइन हो गया था, हमारा कर्तव्य ये है कि जो कुछ जानकारी है वो उस ऑफिसर को ही दी जाए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेपरेट ऑफेंस, इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटिंग टू द सेम ऑफेंस। और फिर उसके बाद में उन्होंने साइबर क्राइम के साथ उनकी मदद लेकर इन चीज़ों का ये करना है, बट सबसे पहले उसका लैपटॉप या उसके बाकी का जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो तो आप कब्जे में ले लो। नहीं लेने का कारण क्या है इसको? मैंने आपको यही कहा, नहीं लेने का कारण ज्यादातर केसेस में ये है कि आज भी पुलिस वाले बड़े कन्वेंशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आप पुलिस वालों के पास बहुत सारे टेक्निकल ऑफेंसेस लेके चले जाइए, आप जब तक मारा पीटी नहीं है या IPC के धाराओं में जो गिरने वाले सेक्शन है वो नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को नहीं कंसिडर होता। आप साइबर क्राइम ही देख लीजिए, आपका साइबर क्राइम में अगर कोई ऑफेंस हो जाए, आपके मोबाइल से पैसे चले जाए, तो आज साइबर पुलिस इक्विप्ड है, पर जो नॉर्मल पुलिस है उसके पास वो सेंसिटाइजेशन ही नहीं है, जिसके कारण ये लैक्यूनास रह जाते हैं। ठीक है।